और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिरकार डॉक्टर सुषमा को मिला न्याय। कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव का प्रकरण। चिकित्सा और शिक्षा विभाग ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुषमा का निलंबन निरस्त किया। वर्जीनिया न्यूज ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, डॉक्टर सुषमा पर गलत कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। अब विभाग ने भी माना ये कार्रवाई सही नहीं, तभी तो निलंबन को रद्द किया गया। मल्टीपल ड्यूटी रोस्टर के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए अब 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM अरुण गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में उप निदेशक चिकित्सा शिक्षा खेमाराम यादव, महिला चिकित्सालय जयपुर की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर आशा वर्मा और डॉक्टर ज्योत्सना व्यास, साथ में चनाना अस्पताल की आचार्य डॉक्टर अदिति बंसल सदस्य हैं। ये कमेटी 7 दिन प्रकरण में जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मेरे सहयोगी विकास जोड़ के, विकास इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि रोस्टर में अगर दिक्कत थी तो उस दिक्कत के लिए जिम्मेदार कौन। बहरहाल अच्छी बात इसमें यह है कि जो कमेटी बनाई गई है वो टाइम बाउंडेड कमेटी है, 7 दिन के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को प्रकाशित किया था और जो डॉक्टर सुषमा है उनकी जो न्याय की बात है वो उठाई थी। उसमें बताया था कि किस तरह से जो सीनियर रेजिडेंट है उसको किस तरह से गलत तरीके से निलंबित किया गया है। ना तो वो ड्यूटी पर उस वक्त उसका रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी थी, उसके बावजूद उसको वहाँ अनुपस्थित दर्शाया गया। खुद SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की जांच रिपोर्ट के अंदर ये बात मेंशन की गई कि वो अनुपस्थित थी और इसी आधार पर उसका निलंबन किया गया। लेकिन जब इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया खबर चलाई, खुद ACS शुभराज सिंह है, उन्होंने इस पूरे मामले में दखल दिया और दखल देने के साथ ही इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, तो उस रिपोर्ट में ये सामने आया है। और खुद SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोबारा से अपनी जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा है कि ये गफलत हो गई थी। इस गफलत के अंदर जो रोस्टर की जो गफलत थी उस गफलत के चक्कर में उनको अनुपस्थित माना गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी जब जांच करती है तो क्या वो इन चीजों को देखती नहीं है कि हम किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका उसका खुद का पक्ष भी जाने, या फिर ये बात है कि आखिर किस बेस पर सुषमा को आपने अनुपस्थित दर्शाया था। इसमें हम दोबारा एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जो फैकल्टी है वो खुद का बचाव करने के लिए हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस तरह से जो रोस्टर जो है वो गलत रोस्टर जारी करके बताया जाता है और उसी आधार पर रेजिडेंटों पर कार्रवाई की जाती है। इसी बात को लेकर रेजिडेंटों में विकास, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि रोस्टर कोई रोबोट बना रहा होगा, AI तकनीक से बन रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, कोई तो होगा ना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए इस रोस्टर को लेकर के हमने बताया था कि जो पहला रोस्टर था जिसके आधार पर डॉक्टर सुषमा ने ड्यूटी की थी, उस रोस्टर पर जो फैकल्टी यूनिट हेड है उसने साइन तक नहीं किए थे। और जब कमेटी की जांच रिपोर्ट आई थी उस जांच रिपोर्ट में जो रोस्टर दिया गया उसमें यूनिट हेड के साइन थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर सुषमा जो थी उनके पास व्हाट्सएप पर वो रोस्टर ड्यूटी का चार्ट था जिसके आधार पर उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया और फर्स्ट इंडिया ने एक कह सकते हैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर के इस पूरे मामले को उठाया कि वास्तव में गलत कार्रवाई है। क्योंकि देखिए अगर घटना होती है दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, शर्मनाक घटना थी, उस घटना को भी हमने बताया, लेकिन साथ में हमने ये भी बताया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ड्यूटी करके गए हैं सुबह 8 से 2 तक वो ड्यूटी करके गई थी और उसके बाद में उनकी ऑफ फ्लोर ड्यूटी थी, यानी कि ऑन कॉल ड्यूटी थी, वो अगर फोन आता तो वो ड्यूटी पे आ जाती, ये उनका था। और बाद में शाम को 8 बजे से फिर आप दोबारा से ऑन फ्लोर उनकी ड्यूटी थी, तो यानी कि 24 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद भी अगर उसको अनुपस्थित दर्शाया जाता है तो न्यायचित नहीं था। इसीलिए हमने इस खबर को चलाया और उसका आखिरकार उनको न्याय मिला है, सरकार ने उसको माना है और अब उनका जो निलंबन है उसको निरस्त कर दिया गया है। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी।